मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपए डोनेट कर रहा हूँ असम रिलीफ फंड में। ओ ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। करण मुझे ऑफर कर रहा है काजू कतली, बट मैं नहीं खा सकती हूँ। क्यों? मैं बस सिर्फ, अरे कुछ हेल्दी चीज दे भाई उसको। ये हेल्दी है, ये अपनी तरह बनाएगा क्या? नहीं तो लगता है नहीं खाना, इसमें खुशबू भी नहीं आ रही है। खुशबू आएगी क्यों, 3 महीने पुरानी है। ये खराब हो, चेक करियो। चेक करने और क्यों दिया तुझे? नहीं दिख रहा, खा के देखो कैसी है। नहीं खा के बोल, बहुत अच्छी है। तो कुत्ते ने क्यों नहीं खाई? और यहाँ से जोक बन सकता है। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह मम्मी और पापा जा रहे हैं बुलंदशहर, क्योंकि मम्मी को डॉक्टर को दिखाना है खुद को। इतनी सुंदर तो हो, इतनी अच्छी बनी और ऐसी मरीज दे, पेशेंट देखिए किसी ने कैसी, जो देखो खूब सज धज के जा रही है, खूब बढ़िया से वीडियो वीडियो बनवा रही है, फोटो खींच। हाँ मम्मी, तो भाई हमारी मस्ती थी। हाँ तो गाइज, आज हमने ये फैसला लिया है कि जो असम में फ्लड आए हुए हैं, हमारे सारे भाई बहनों की हम मदद करेंगे। जो आप वीडियोस देख रहे हो उसके जो व्यूज़ से मेरी अर्निंग हो रही है, वहाँ से मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपए डोनेट कर रहा हूँ असम रिलीफ फंड में। और उम्मीद करता हूँ कि लोगों तक हेल्प पहुँचे। हमारी तरफ से एक छोटा सा अमाउंट है, प्लीज़ एक्सेप्ट करना, बस सबकी मदद हो जाए एक बार। हाँ, हमारी तरफ से, हमारे जितने भी भाई बहन हैं ना असम के, हम सब आपके साथ हैं। आप बिल्कुल भी ऐसा फील ना करें, जितना बनेगा अभी और भी, अगर आगे मेरी जितनी भी अर्निंग होगी मैं उसमें से हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ। तो गाइज, हमारे घर पर अभी बहुत शोर मच रहा है, क्योंकि मम्मी पापा के जाते ही जो हम लोग तूफान मचाते हैं ना घर पे, नेक्स्ट लेवल होता है वो। अच्छा, वैसे आज ईद की सबको बधाइयां, मेरे सब भाइयों को, सब बहनों को ईद मुबारक सबको। तो हमारे लिए भी घर में सेवैयां भेजो, बहुत सारी मिठाइयां भेजो और हम भी भिजवाएंगे। अरे लालची। लेकिन एक चीज जो सोचने वाली है, मैंने असम रिलीफ फंड के लिए जो वहाँ पे सीएम रिलीफ फंड है उस पर मैंने बहुत बार कॉल लगाया, अभी तक कॉल नहीं लगा। तो बस मैं नेट पे डोनेट करने से डर रहा हूँ, ऐसा ना हो मैं डोनेट कहीं और ही कर दूँ। आपको पता है आजकल स्कैम कैसे चलते हैं। लेकिन ऐसा लगता है मुझे यार कि ये डोनेशन वोनेशन वाली वेबसाइट एकदम चकाचक रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी तरह पता नहीं कितने लोग होंगे जो डोनेट करना चाहते हैं लेकिन अश्योर नहीं है कि कहाँ पे करें। तो अब कोई जुगाड़ निकालता हूँ कि कैसे करना है वहाँ तक। और बाकी मैं मेरे जितने भी साथी हैं सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा यार, इन लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, चाहे वो असम से हो चाहे कहीं से भी हो, ये लोग हमारी वीडियोस देखते हैं। आज इन लोगों को हमारी ज़रूरत है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है इनके साथ खड़े रहे। लोगों ने बहुत बहुत पैसे कमाए हैं सोशल मीडिया से, तो आज अगर एक छोटा सा अमाउंट भी आप दे पा रहे हो तो अपने आप को खुश नसीब समझना, भगवान ने अगर इस काबिल आपको बनाया है। और मैं आप लोगों से भी उम्मीद रखता हूँ कि आप जाके थोड़ा सा नेट पर जितना जिससे बनता है प्लीज़ डोनेट करना। देखो अपने ही लोग हैं यार, और आज मुसीबत में है तो करते हैं जितनी जिससे होती है। नीतू उठ जाए यार, नीतू उठ जाए यार। 5 मिनट्स, तेरे 5 मिनट्स पिछले 20 मिनट से चल रहा है यार। तू सोता रही बेटा, तू मत उठियो वरना तो शैतानी करेगा उठ। गाइस, नीतू पिछले 2 घंटे से सो रही है, मतलब मैं यहाँ वीडियोज बना रहा था, अपना बाकी वाला काम निपटा रहा था, उसका उठने का कोई इरादा नहीं है। ले जल्दी पी, नहीं तो यार उठ जा। oh, अभी बहुत सारी वीडियोस बनानी है। ओ माय गॉड, क्या सो मच, लग दो नहीं इधर। फ्रेंड्स, आज मैंने अनलिमिटेड कमेंट्स पढ़े। हमारी जो फेसबुक वाली ऑडियंस है उन्होंने बोला हमारी वीडियो डलती है तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आती। अब फेसबुक पर यूट्यूब जैसा सीन नहीं है कि आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे, तो पता है फेसबुक पर क्या है, आपको जिस पेज पर आप ये वीडियो देख रहे हो ना मेरी फेसबुक पर, और आपको उसी पेज पर जाके लाइक करना है पेज को। जब आप पेज को लाइक करोगे तो फिर मेरी वीडियोस आप तक हर रोज़ पहुंचेंगी डेली अपडेट्स के साथ। तो इसीलिए लाइक करना बिल्कुल मत भूलो यार। आप लोग छोटे छोटे मिस्टेक करते हैं ना, उस वजह से आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाती। तो जल्दी जाओ लाइक करो, जो भी हमारे फेसबुक पे देखते हैं ऑडियंस वो। अब ये उठ गया है और अब ये इस सोच में है कि मैं क्या शैतानी करूँ, अभी तो उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस दुनिया में हूँ। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं घर पर, मॉम डैड भी आ चुके हैं मॉम को डॉक्टर से दिखवा कर। अब हम पता करते हैं कि क्या बोला डॉक्टर ने। यार पता है रिक्की तो चला गया, मेरा बॉक्सिंग करने का बहुत मन कर रहा है। देखो रिक्की जब था ना तो मुझे बॉक्सिंग करवाता था और इतना मज़ा आता था हमें, मतलब जब स्वेटिंग निकलती है ना बहुत अच्छा लगता है। एसी से मुझे लग रहा है कोई आ रहा है घर पर। यार एसी क्यों ऑन कर रखा है भाई? सच में दरवाज़ा बंद करो, मुझे लग रहा है घर पर कोई आ रहा है। ये ठंडा एसी वैसी ऑन है, अभी तक मम्मी की याद करता हूं। नहीं नहीं, आई थिंक कोई आ रहा है इसलिए यहाँ पर ठंडा करने के लिए छोड़ा है। अच्छा ये देख, मैं ये वाला कैमरा ले आया, मम्मी को दूंगा। अब व्लॉगिंग मम्मी की भी स्टार्ट होगी ना। तुम तो बस कैमरे में कैमरा। और शीरो देखो मुझे कैसे वेलकम करता है, ये बहुत बहुत प्यार है। इधर थक चुकी हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ। मॉम हॉल का एसी फैन लाइट सब ऑन है। अभी कोई आए नहीं, तो यार गए तो फिर तो आपको हटा देना चाहिए। हाँ। था ना। तो कर आई। हाँ बंद कर आई। हाँ है? तू कर क्या नहीं, तू नहीं, मुझे पता क्या लगा। हाँ। क्योंकि जब ये ऑन करते हो ना, जब कोई आ रहा होता है तो मैंने इसलिए मुझे लगा, मैंने लखन को ये बोला लखन कोई नहीं, कोई नहीं यार, भक्का बंद करिया। वो तो उसने सोचा ना, क्यों नहीं तू। ओहो भम्मू, आप में रेड वेड कलर में ना ब्राइट कलर में अच्छी लगती हो पता है, क्योंकि आप सुंदर हो ना। और
ये वाले ब्राइट कलर तो हम पे अच्छे लगते चटकते हुए कलर, क्योंकि अरे बहुत वीडियो बनाई है। और क्या आप मुझे ऐसी समझती हो? आप मैं निकम्मा क्यों समझती हो यार? ये देखो मम्मी देख रही है फेसबुक पे वो जो वीडियोस आती है ना बेकार वाली। कहाँ बेकार वाली हैं? स्क्रिप्टेड वीडियोस हैं, स्क्रिप्टेड बेकार। रोज रोज यही बात। कोई पार्क में बैठा हुआ कहेगा इसने मुझे धोखा दे दिया। कौन बैठा हुआ था पार्क में? कौन है? ऊपर भी तो कर दिया आपने। नहीं नहीं देख ले, कौन बैठा पार्क में? कोई बात। अब आपने वो वीडियो देखनी बंद कर दी? आती ना आती। सही है, फेसबुक पर आपने बैन लगाया इसी वीडियो में तो बहुत सही है। आज मैंने लोगों को बोला जो फेसबुक पर हमारे ऑडियंस है ना, यार आपके मैं कमेंट भी पढ़ के सुनाऊंगा। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं जो आप मम्मी तक पहुंचाना चाहते हो, तो अब मैं पढ़ा करूंगा। ठीक है ठीक है, तू तो पढ़ता ही ना। अरे पढ़ूंगा ना यार। अच्छा पापा की आईडी मेंशन ना करी? करी तो थी, अरे मैं भूल गया। पाई को करा तो है लोगों ने फॉलो? नहीं वो मैं डालना वहाँ भूल गया था नाम। नहीं नहीं तू आईडी ना करी, करा किस पर लोग? वहाँ मेरी डांट पड़ रही इसलिए मैं आ गया हूँ। इनको क्या, इनकी बच्चा पार्टी चल रही है अभी? ओए होए मजे आ गए शीरो ऑस्कर। और ओए कैसे जान लोग चला? नहीं भाग लोग की तरह खा रहा है, देखो उसको नहीं खाने दे रहा। ऑस्कर नीचे खाना खा रहा, सुनते ही भागता हुआ आया। अच्छा ऑस्कर को है कि किसी और को कुछ ना मिल जाए? वो बहुत ही वो है तो चिड़ैला। एंड गाइस देखिए कितने प्यारे लग रहे हमारे पाई और भम्मू, रिफ्लेक्शन आ रहा है इसमें ना जी। अरे तुझे क्या है भाई, अब मेरे से रिश्वत चाहिए तुझे पागल? इसने घर में रुकना बंद कर रखा सबका। किसने? इसने सबका। आते इसको रिश्वत दो पहले। जो डॉग्स की ट्रीट आती है ना वो खाता है, और हमारे घर में आते सबको ऑस्कर टैक्स देना पड़ता है। ऑस्कर को आते ही वो उसको चिनोली बोलते हैं हम लोग, बाकी बोलते हैं डाइज्ड फूड है, तो वो इसको आती चाहिए होता सबसे। भम्मू इस उम्र में जेम्स? अरे ये बीकी खा गया। अच्छा तो यहाँ खा के यहीं रख गया मम्मी। तमीज का भाई किसमें यार? मार जाकर हम लोग कल जाए कहीं घूम कर आए। हम सोचे जिम कॉर्बेट जाने की। मां बोली अब तुम कहीं ना जाने वाले, तुम घर में बोल दो मां। मम्मी आप भी चलो मेरे साथ जिम कॉर्बेट। जाना सोच रहे होगे कि मॉम ऐसे बोल दे तुम कहीं ना जाना, मैं कहीं भी नहीं बैठो। ऐसे ही सोच रही है? ऐसे ही सोच रही है। 50 साल की मम्मी ऐसी हो गई, ऐसी सोच रही है। 70 साल की मम्मी ऐसी हो गई हाँ। और क्या, ये 70 साल की ऐसी थोड़ी हो गई है। तो यार इंडिया का मैच स्टार्ट होने वाला है, मैं देखता हूँ टॉस जीती या नहीं जीती। वैसे आज मुझे पूरी पूरी उम्मीद है इंडिया 3-0 से वाइट वॉश कर देगी इंग्लैंड का। कैसा अंधेरा कर रखा है रूम में। हाँ अब लग रहा है ना रूम। इंडिया टॉस जीत गई या नहीं जीती? ओ शिट यार इंडिया टॉस हार गई, इंग्लैंड ने टॉस जीता पहले बैटिंग कर रही है। तो सही है यार, मैं तो मैच देखता भी तभी सिर्फ इंडिया की बैटिंग के लिए। अब अपना 2 घंटे बाद टीवी चलाऊंगा आराम से। तो गाइस कल मैंने विक्की ने हम सब ने डांस किया, वो भी बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा वायरल हो गया, हिट हो गया। चलो विक्की हेल्प करिए फिर डांस करके देखेंगे। ना यहाँ नहीं, आपने देखा हमने किया सलमान खान के घर। इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है हमने, इंस्टाग्राम पे स्नैप पे स्टोरी डाली है। अगर नहीं देखी तो हमें फॉलो करो दोनों को। क्या है डांस, डांस तो दिखा दे भाई। हम करते हैं, गाना गाओ। कौन सा गाना? ठीक है 3-2-1 ओ जाने जाना। भूल गया मॉम का, नहीं मॉम गाओ। अरे मम्मी को ना गाना आता हो। मैं तो कुछ का कुछ भी ला दूं कहीं का कहीं। जैसे एक और यार नीतू, मम्मी पहले गाना गाती थी, तेरी अखे भूल भुलैया तेरी बत्ते भूल भुलैया, फिर बोले तेरे सपनों की गलियों में आके हक्की बक्की डुक्की डुक्की। मम्मी को, मम्मी कुछ भी गाना यार। वो अपना बिल्कुल उस टाइम उसमें आ रही है पूरे। क्या गाने वाले लोग हैं? चल भाई नीतू डांस कर, रुक। हाँ भाई करके दिखा। चल करण बना कर डांस करने को। अरे करेगा नहीं यार है। 3-2-1 ओ ओ जाने जाना। चलो 1-2-3 गो दीवाना। सपनों में रो मारना, मार चप्पल मार। चलो 3-2-1 स्टार्ट। ओ ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। सनम टंग 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 स्टार्ट किया। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना ही कोई साथी है, और हमारी एंट्री फिर भी निकल चला हूँ, फिर भी निकल पड़ा हूँ मैं ऐसे करता हूँ। ये ओ एक तो मून वॉक है, ये कौन सी वॉक है की? करियो करियो करियो। ये कोई वॉक नहीं, एक तो मून वॉक है। हम लोग ऐसे आते बच्चों की तरह, छोटे बच्चे खड़े ऐसे करती है ना। मून वॉक दिखा दो। अरे पीछे क्यों चल रहा है इसमें? मैं ऐसे ही कर रही हूं। और मून वॉक में पीछे चलेंगे? कर नहीं, रुकर नीतू आज बेटा तुमसे ना हो पाएगा नीतू रंदे। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। इसी बालकनी में खड़े होके मैं नीतू से कॉल पे बात किया करता था, और हमारी लव स्टोरी शुरू कराने में सबसे बड़ा हाथ था। सबसे बड़ा हाथ था इनका, बम्बू का।
तो जिन लोगों को नहीं पता, नीतू सबसे पहले मम्मी को पसंद आई थी, वो सारी स्टोरी कल हम पक्का आपको बताने वाले हैं। पक्की बात है। अरे तू किसकी निगरानी कर रहा है भाई? सीरो पापा के पास जाएगा। तो पापा कहाँ से दिख भी नहीं रहे यहाँ से, तो जा बेटा जा, इसे घुमा लो मैं थोड़ा सा। चुप रह चुप, कहीं जाता वाता है नहीं, डेली प्लान बना लोगे कहीं जाने का। तुम्हारे प्लान डेली बनते हैं, रोज बनने रोज अब के मतलब प्लान बना रहे हो, ये बोलो कहाँ का सपना बना के तोड़ने वाले हो? हम बता दें, हम जा रहे हैं उत्तराखंड। और उत्तराखंड में कहाँ भी बताइए? हम लोगों ने बाली का प्लान किया, दुबई का प्लान किया, और कहाँ का प्लान किया? और थाईलैंड का प्लान किया। लखन ने बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, बारिश हो रही है, प्लेन नीचे गिर जाओ, ये हो जाओगा वो जाओगा। कितनी बकवास कर रहा है लखन ने, बहुत ज्यादा। इतना कौन डरता है यार लखन, डरपोक। मैं साइकिल लेकर दे दो, गाड़ी वाली भी ले लो, सब ये साइकिल ले लो, साइकिल में जाओ। क्यों बे ज्यादा बकवास नहीं करती तूने, डर निकल गया तेरे अंदर से? बचाओ अकेले हो। कुछ नहीं कुछ नहीं, ए मेरा मजाक बहुत देर से बना रहे तुम दोनों, तो लखन दोनों को एक साथ मारूंगा। लखन डांस करेगा तो लखन कैसे करेगा? धर्मेंद्र की तरह। अच्छा ऐसे करता है। अरे बन जाओ आइए वाला भी, ये कहां पे डांस? लखन सनी देओल। अरे कौन सा गाना है वो? कौन सा पम 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 परम पम ऐसे कुछ गाना है। माय नेम इज लखन। हां तुम वो अच्छा करोगे, आना एक बार करना उसका डांस। आता तेरे को गाना आता है वो? हां आओ ना तो करो। तो नहीं यार, यार मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़े से गोलगप्पे मंगा के खा लूं। नीतू खाएगी? तुम्हारा कम मन नहीं करता, मतलब डेली गोलगप्पे का मन थोड़ी करता है। अब यार गोलगप्पे घर पे तो बनेंगे नहीं यार भाई, कभी कभी इंसान खाए नहीं क्या, मैं क्यों जी रहा हूँ फिर? नीतू मम्मी से पूछ उनके लिए, उन्हें खाने तो मैं मंगवाऊँ। तेरे जो मुँह में छाले ठीक हो जाएंगे, किसी ने कमेंट किया था। अरे पूछिए मम्मी से विक्की, क्या कहाँ बैठा है, हल्की से आवाज़ ही पीछे गिर जाएगा। पूछना क्या है? मम्मी से पूछिए गोलगप्पे खाएंगी? मना कर रही है। अरे पूछ के, अरे आजा आलसी, पूछिया कली बात कली बात हो गई थी हमारी। मुझे पता ही तो आज ये कहेगा, एक व्लॉग मैंने बनाया वो तुम्हें दिखाऊंगा उस व्लॉग के बाद। अरे सुधर जा सुधर जा मम्मू। कोई आम का? अरे मैं तो आपके लिए कुछ यार खाने तो मंगा रहा था, गोलगप्पे खाओगी? मैं मंगा रहा हूँ आपकी कसम। ना ना मेरे लिए नहीं, मम्मी खा लेना, मेरा बहुत मन है तो खा ले। आम क्यों खा रही हो? आम रखो ना फिर, थोड़ी है तो किसी के है, तो किसी के नीतू के होंगे। ये किसके हैं? ये नीचे रखे हैं मेरे मम्मी, ये मेरे हैं यार, ये वाला नीतू, तू तो ये वाला मेरा है। और कटवा के नीचे रखा ये इसको। अरे नंबर आने दे मेरा भाई, नीतू आम खाती थोड़ी सटकती है। आज हम लाने वाले भी बुलंद सुबह तो अच्छा हम बिक रहे हैं, हम ले आते हैं यार। फिर क्यों नहीं लाई? मैंने कहा ज्यादा खा खा कर मोटी हो जाएगी, और मोटा तो जो होना नहीं। मैं आम खाने के लिए हो सकती है, आम खाने के लिए हो सकती है, बाकी चीजों के लिए परहेज है। मम्मी यार ये इसने क्या बात कह दी, ये लो यार थोड़ा ऐसा मोटा मुझे नहीं करना, ये लो चाहे तो डाइट पर है। अरे विक्की को कह रहा हूँ मैं, रख दे मैं पेल दो ना, देखो आपकी बहू को परेशान कर रहा है। बहू जो खा रही घुट 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 बहुत छोड़ छोड़ रही है। अरे नीतू भाई क्या स्पीड है तेरी यार। यार इंडिया का मैच चल रहा है यहाँ पे, और अब हम चलते हैं एडिटिंग पर बैठने के लिए। तो गाइज मैं जस्ट अभी अभी घर आया, और मैं नीतू के लिए लेकर आया हूँ राज कचौड़ी, उसको बहुत पसंद है। अब उसको मैं सरप्राइज देने वाला हूँ, छोटा सा सरप्राइज है, लेकिन यार सरप्राइज तो सरप्राइज होता है, वो मुझे इतनी सारी चीज़ें लाला के देती रहती है, तो उसको एक बार रिएक्शन देखेंगे, बहुत खुश हो जाएगी देखना आप। ये रही राज कचौड़ी। नीतू कितना लेट हो गया, गुचू क्या लेने गए थे? देख गैस कर क्या है, जलेबी? अरे नहीं राज के जोड़ी। ओ इसको देख इसको देख, ये तो प्यारा बच्चा है, ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। ये भी खाता है क्या? ये सब खाता है। खुश हो गई बेटू? उधर हो। हां खुश हो गई यार, स्माइल तो कर दे, तेरी स्माइल देखने के लिए लाया हूं मैं। ये वाओ, आई लव राज कचौड़ी कचौड़ी। थैंक यू सो मच लखन। यार एक बात बताओ, इस राज कचौड़ी को इस राज कचौड़ी को हम ऐसे नहीं खा सकते गुजी भैया? अरे नहीं 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 तू बस वेट वेट नहीं 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 तो अपने दिमाग का मुजाहरा मत कर यहाँ। अरे यार नीतू क्या कर रही है यार, ऐसे नहीं खाते यार नीतू। नहीं नहीं रख रख रख, खा ले वो सब लगा यार, अच्छा लगता भी लगेगा। चल ले रे सारे सामान इसका, ये लो। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, और कल या परसों में हम बताएंगे नीतू की लव स्टोरी के बारे में। मेरी भी तो लव स्टोरी है यार, खा ले नीतू की थोड़ी है। तू अपनी अपने आप बता, मैं तो। अरे तो मेरी और नीतू की। अरे मम्मी कैसी हो यार, नीतू को मतलब कैसे कैसे पसंद किया है? अच्छा अपनी तरफ से बताओगी? अपनी साइड है, अपनी साइड। ओके तू अपनी साइड रख।